शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। तो भाई आप सभी लोगों ने एक डिस्क्लेमर तो पढ़ ही लिया होगा कि भाई ये वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा वो एक फनी के जैसा आप लीजिएगा। मैं कुछ भी किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, ना ही किसी के बारे में कुछ बुरा कहना चाहता हूँ। बस मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहता हूँ, एक पब्लिक ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो इसको भाई आप किसी भी तरीके से, गलत तरीके से मत लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं अपना रिव्यू देता हूँ बागी 3 के लिए। वेल आप जिनको नहीं पता भाई, बागी 3 का ट्रेलर आ चुका है, बट मेरे चैनल की पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो मार्वल के हैं, मार्वल के काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हैं। तो हम ट्रेलर शुरू करते हैं। यार देखो यार, इस मूवी की टाइमलाइन बहुत बेसिक टाइमलाइन है। इस मूवी में बस हमें इतना देखने को मिलने वाला है। पहली बात तो भाई एक्शन कूट कूट के भरा गया है मूवी में। एक्शन की कोई कमी होने वाली नहीं है। जहाँ भाई टाइगर श्रॉफ हमें देखने को मिल जाए वहाँ एक्शन होना ही होना है, ये हमें पक्का पता है, ठीक है। भाई तुम टाइटल में टाइगर श्रॉफ देख लिए, तुमको एक्शन दिख गया, ब्रैकेट में एक्शन लिखा होता है, तुमको दिखेगा नहीं, लिखा होता है वो। तो बेसिक टाइमलाइन मूवी की ये होने वाली है कि भाई टाइगर श्रॉफ का भाई अपने कुछ पेपर वर्क साइरिया में करने जाएगा और वहाँ पे उसे कुछ गुंडे पकड़ लेंगे। गुंडे नहीं, उनका क्या नाम था, एक मिनट रुको, ज़रा ट्रेलर चला के देख, यार समझ में नहीं आ रहा है। चलो वहाँ के कोई गैंग वाले उनको पकड़ लेंगे। उनको बचाने के लिए टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर चले जाएंगे और फिर वहाँ पे हमें एक बहुत ज़बरदस्त एक्शन और मतलब वहाँ पे फिजिक्स सब हमें देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया फिजिक्स देखने को मिलेगी वहाँ पे हमें, बिल्कुल सटीक चीज़ें वहाँ हमें देखने को मिलेंगी भाई। एंड भाई ट्रेलर देखो, आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि इसमें जो टाइगर श्रॉफ के भाई हैं वो एज अ पुलिस मैन है। एंड इस मूवी में टाइगर श्रॉफ के जो फादर हैं, मतलब कि हाँ टाइगर श्रॉफ के जो फादर हैं वो नहीं हैं, मतलब कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से शुरुआत में हमें कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये बात तो क्लैरिफाई हो जाती है। वेल मूवी में टाइगर श्रॉफ का नाम राधे है, अभी मैंने जस्ट ट्रेलर देखा तो बताया। और भाई टाइगर श्रॉफ के भाई का जो नाम है वो विक्रम होने वाला है। काम करते हैं, मैं साथ में ट्रेलर देखकर रहता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और हो सकता है बैकग्राउंड में भाई आपको थोड़ी बहुत नॉइज सुनाती रहे, और मैं साथ ही में रिव्यू देता रहूँगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा भाई ये इस सीन में भाई हमें टाइगर श्रॉफ का बड़े गजब सा एक्शन देखने को मिलेगा। भंगार की शूटिंग कर ली क्या? देखो मैंने आपसे लोगों से पहले ही बताया था कि कुछ पेपर वर्क है जिसको उसका भाई करने जाता है, और इस मूवमेंट में ही काम लग जाएगा। गजब गजब गजब। वेल आप में से कितने लोगों ने बागी 2 देखी है मुझे नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने नहीं देखी बागी 2। So who do you think can do this to your brother? अबू जलाल काजा। अबू जलाल इंसान नहीं है, अबू जलाल काजा ये विलेन होने वाला है मेन मूवी में। अगर अबू जलाल मिले तो उसकी माचो पीट देना। कॉपीराइट मार दिया। थोड़ा आगे कर लेते हैं ट्रेलर, क्योंकि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, ओहो तुम कसम हमारे बाप की, वन मैन देश को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। ओके भाई ये गजब, अगेंस्ट द होल कंट्री। टैंक के नीचे से निकल गए भाई हमारे, टैंक के नीचे से निकल गए। गजब गजब बैक, भंगार की गाड़ियों पे चल रहे हैं। स्नैक अटैक, नेवर लुक बैक। अच्छा बागी 3
मतलब प्लेन से काटने की कोशिश, गन कम पड़ गई लास्ट से क्रैश वाला। अच्छा प्रोड्यूस बाय साजिद, ये क्या, यही एक बढ़िया सीन है लास्ट में जो वो बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है और उनका जो सारे हिस्से टूटते हुए दिखाते हैं, वही मुझे बस सीन इसमें अच्छा लगा। बाकी भाई बॉलीवुड मूवी है, फिजिक्स विजिक्स कुछ नहीं लगती यहाँ पे, ठीक है बॉलीवुड मूवी है भाई। आइंस्टाइन चाचा रह चुके हैं इनके भाई, चाचा रह चुके हैं भैया इनके और हमारे भाई भाईजान के चाचा रह चुके हैं। ये मेरा भाई लाइव रिएक्शन भी हो गया और रिव्यू भी हो गया, देखते हैं भाई मूवी कैसी होती है, बिकॉज एक्शन कूट कूट के भरा हुआ है मूवी में। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ टाइगर श्रॉफ का नाम होता है ब्रैकेट में एक्शन लिखा होता है, जानता हूँ दिखेगा नहीं यार, लिखा होता है मूवी, समझ लिया करो। तो ये हो गया मेरा एक लाइव रिएक्शन, क्विक रिएक्शन और ट्रेलर का रिव्यू। ट्रेलर में यार ठीक है, मतलब ठीक ही चीज़ें दिखाई गई यार, आप लोग के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और यार मैंने पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया, मैं ट्रेलर नहीं चला पाया ड्यू टू कॉपीराइट इशू। भाई टी सीरीज का तुम 5 सेकंड का कोई म्यूज़िक यूज़ कर लोगे ना वो स्ट्राइक तक का दे देते हैं, तो फिर इसीलिए भाई मैंने नहीं चलाया। सो आप लोग के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, हमने पहली बार कुछ नई चीज़ ट्राई की है। एंड आज मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, सो मेरे चैनल का नोटिफिकेशन बेल दबा दो एंड बाय।